हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को बंद कीजिए और सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं इस इंटरेस्टिंग इक्वेशन को सॉल्व, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन 4x प्लस 6x इक्वल्स टू 9x। मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ 4x से। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 6/4x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये 9/4x। कुछ नहीं किया, डिवाइड किया है और ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 3/2x। 2 से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2x। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + √x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये 3y/2x। अभी ओनली फॉर्मेट चेंज किया, अब यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ इफ़ y = 3y/x, ये मैंने कंसिडर किया यहाँ पर, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 + y = y2। यहाँ पर ये पुट कर दिया, ये मैंने एज्यूम किया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y²-y-1=0। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन होता है श्रीधराचार्य। ये होता है y = -b + √b²-4ac/2a। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, a होता है y² का कोफिशियंट, b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, b होता है y का कोफिशियंट, और c = है -1 कॉन्स्टेंट। हमारे पास में तीनों वैल्यूज हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये y = देखेंगे -b है, और यहाँ पर माइनस मतलब प्लस माइनस स्क्वायर रूट। देखेंगे v की वैल्यू कितनी है, माइनस, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1, माइनस ये और माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 4। ओवर आ जाएगा ये 2, a की वैल्यू 1 है, तो इसको लिख सकते हैं y = 1 ± √5/2। हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ गई y की, बट हमें y की नहीं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं y में और x में रिलेशन ये है, तो मैं इसको मान लूँगा इक्वेशन 1, इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। टेकिंग log बोथ साइड, मैं इसको लिख सकता हूँ log y = log 3y/x। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं log की प्रॉपर्टी होती है log y = मैं इसको लिख सकता हूँ x log 3/2, यानी कि पावर मल्टीप्लाई में जा सकती है log की, ये log के लॉ होते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ x = log y = log 3/2। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमें y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रही, यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log (1 ± √5/2) ओवर यहाँ पर आ जाएगा ये log 3/2। यही वैल्यू होती है x की। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये नॉन फंक्शन है, एक बार आप यहाँ पर प्लस का पुट कर सकते हैं और एक बार यहाँ पर हम माइनस का पुट कर सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे log की कैलकुलेटर से, ये वाली वैल्यू log की पुट करेंगे, आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों, यही होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ x इस इक्वेशन के बेस पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक सिंपल सी इक्वेशन दिख रही थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आप इसको कर पा रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको नहीं कर पा रहे थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे, और दोस्तों से पूछना कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक तो बनता ही है। थैंक यू, शुक्रिया।